सेल चसनाला कोल वसारी के सैलरी लोडिंग मजदूरों को काये देने की मांग को लेकर बिहार कामगार यूनियन के बैनर तले गुरुवार को मजदूर की एक सूत्री मांग को लेकर दो दिवसीय आर्थिक नाकाबंदी शुरू। झरिया चासनला कोल वासरी के सैलरी लोडिंग मजदूरों को कार्य देने की मांग को लेकर बिहार कलवी कामगार यूनियन के बैनर तले गुरुवार को मजदूरों की एक सूत्री मांग को लेकर दो दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व बीकेयू के नेता सुंदरलाल महतो। उन्होंने कहा कि आज लगभग 5 माह से सैलरी मजदूरों का काम बंद है, जिसके कारण उनके सर में भुखमरी की स्थिति आ गई है। हम लोग लगातार प्रबंधन मांग करते आ रहे हैं सैलरी का रेट अन्य वासरियों के बराबर रखा जाए, ताकि डीओ होल्डर यहां पर डीओ लगा सके, लेकिन यहां का रेट काफी महंगा होने के कारण यहां डीओ होल्डर डीओ नहीं लग रहे हैं, जिसके कारण यहां के मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। तत्काल प्रबंधन इस पर सुधार करे, नहीं तो इससे भी आंदोलन करने के लिए हमारे यूनियन बाध्य होगा। रिपोर्ट मनोज साहब। आज हम लोग सैलरी मजदूरों को मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। यह आज करीब 5 महीना से सैलरी काम बंद है, जिसके वजह से सैलरी में कार्यरत वर्षों से 329 मजदूर भुखमरी के कागार में है। इस सवाल पर प्रबंधनों को हम लोग 3-4 बार मांग पत्र दिए, प्रदर्शन महाप्रबंधक के किए, प्रदर्शन ईडी को भी घेर घार किए, कई 2-3 राउंड बातचीत हुआ, लेकिन मैनेजमेंट बातचीत करने तक ही है, कोई फैसला नहीं ली। हम लोगों का कहना था कि पूरे कोल क्षेत्र में जितना भी 7-8 वासरी है, सभी का रेट को देखते हुए ही सैलरी का रेट तय किया जाए, लेकिन यह प्रबंधन का जो दुर्दिशा है, उसके वजह से यह स्थिति पैदा हो गया। हर एक जगह सैलरी का रेट कहीं 3000 है, कहीं 3200 है, कहीं 2600 है, लेकिन हमारे यहाँ प्रबंधन एक साजिश के तहत इसको 4500 रख दिया। हम लोग हल्ला गुल्ला किए, 4200 आया, फिर 4200 के बाद भी 2-3 बार वार्ता हुई, उसमें भी कोई डीओ होल्डर लगाया नहीं। डीओ होल्डरों का कहना है कि अगर हमारे 2 पैसा बचे नहीं तो हम कहाँ से लगाएंगे। इसीलिए जो हम लोगों का कहना है कि जो जेन्युइन रेट है अगल बगल में जैसे चल रहा है, उसी को देखते हुए प्रबंधन को रेट रखना चाहिए, ताकि सेल हो सके और यह जो सैलरी सेल होगा उसमें मजदूरों के साथ साथ प्रबंधनों को भी हर एक महीना 2 से 4, 5, 7 करोड़ रुपया का प्रॉफिट होता है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि प्रबंधन अपना आंख से पट्टी खोले और अगल बगल के सभी वासरी का जो रेट है उसको देखते हुए ही यह काम तत्काल चालू करे। इसीलिए हम लोग 2 दिन का आर्थिक नाकेबंदी की है। अगर प्रबंधन इसमें भी नहीं चुकती तो हम लोग इससे भी कठोर आंदोलन करने के लिए तैयार है, हमारा मजदूर तैयार। कहाँ कहाँ बंद कराए? आज हम लोग बंद कराए हैं टासा रेलवे साइडिंग, रोकल और जो भी ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है सब बंद कराए हैं। क्लिंकोल बंद है, रिएक्शन बंद है, सब कुछ आज हम लोग पूरा कोयलरी ठप है एक तरह से। में जो है वासरी जो काटा घर का सामने हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो 5 महीना से आपका सैलरी का काम बंद है, 329 मजदूर आज भुखमरी का कगार में है। मैनेजमेंट का भी जो है उनका भी महीना में जो है आपका 6-7 करोड़ का लॉस हो रहा है। ये लोग जो है कि आपका रेट जो रख दिया कि आपका 4200 रुपया, पहले 4500 रखा फिर 4200 कर दिया, पूरा आपका BCL में जो है आपका जो है कि 2600-2700 रेट है उसको देखते हुए लोग नहीं। तो इसमें एक बार हम लोग का जो 3 राउंड वार्ता हुआ, वार्ता में भी फेलियर हो गया। इसका पहले हम लोग जो है कि आपका GM वासरी में हम लोग जुलूस प्रदर्शन किए, उसको मांग पत्र दिए, हम लोग ED के पास दिए, हम लोग जो है CGM कोल है उनका पास किए, सब जगह करने के बाद भी ये लोग जो है कुछ सुन नहीं रहा। इसी के चलते हम लोग जो है वर्कर आज 2 दिवसीय हम लोग आर्थिक नाकाबंदी चक्का जाम आज हम लोग वासरी में कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं माना तो इससे भी हम लोग जो है कठोर आंदोलन करेंगे। इसमें हम लोग लगातार जो है हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे, यहाँ सारा मजदूर बैठ जाएंगे। मजदूर हमारा 329 जो है सैलरी मजदूर भुखमरी के कगार में है।